Hi everyone, today's topic of discussion is will ISC 12th exams be cancelled or conducted? ये जो question है it has been circulating everywhere and students को तो काफ़ी doubt है कि exams cancelled होंगे ही होंगे, right? कुछ भी हो सकता है. Please avoid those videos that have a clickbait कि exams cancelled होंगे. If you watch those videos, it is making you distressed and demotivated. क्योंकि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन्हें लगेगा कि हम क्या करें, उनको समझ नहीं आ रहा है. बट फॉर एवरी वन अ मैसेज इज़ दैट यू शुड स्टडी, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे स्पेशली जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट जेवियर्स कॉलेज हो गया, JNU एंड मैनी अदर कॉलेजेज आर देयर इन इंडिया, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी आप अपनी कंटिन्यू करें अपना स्टडी. अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर कैंसिल होंगे एग्ज़ाम तब आपके रिजल्ट कैसे आएंगे, अगर कंडक्ट होंगे तब क्या सिचुएशन होगा, तब कैसे रिजल्ट्स आपके इवैल्यूएट होंगे, आपके कैसे मार्क्स इवैल्यूएट होंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट CBSE बोर्ड्स, इफ 12th एग्ज़ाम्स आर कैंसिल्ड ISC इज़ लाइकली टू फॉलो देम एंड दे ऑल्सो कैंसिल द बोर्ड एग्ज़ाम्स फॉर 12th. अब इसमें ये बात है कि अगर आपके एग्ज़ाम्स मिड जून में भी नहीं हुए तो ISC फिर से डिले तो करेगा नहीं, तब तो कैंसिल ही कैंसिल होंगे, राइट? चलो आप दोनों कंडीशंस लेते हैं. इफ़ बोर्ड एग्ज़ाम्स आर कंडक्टेड, अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे तो आपकी मार्किंग कैसी होगी? फॉर दैट आई वुड से इट विल बी नॉर्मल, बट ओनली द डिफरेंस इज दैट योर आंसर शीट्स विल बी चेक्ड इन द सेम स्टेट. फॉर एग्जाम्पल आई गेव माई एग्जामिनेशन इन उत्तराखंड दिस ईयर, सो माई आंसर शीट्स विल बी चेक्ड इन उत्तराखंड इन एनी डिस्ट्रिक्ट. इट मे नॉट बी सर्कुलेटेड टू एनी अदर स्टेट. Previously the procedure was different. If you gave your board examination in Uttarakhand, your answer sheet will be circulated to any part of the country. It may be south, it may be east, but not in the same state. But this year your answer sheets will be checked in the same state, and that acts as a plus point. Your answer sheets will be leniently marked as per the council's instructions to the examiners. Aapki answer sheet leniently mark hongi और आपके इसलिए मिस्टेक्स में उतने मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है? कमिंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ बोर्ड एग्जाम्स आर कैंसल्ड, कैंसिल होंगे तब क्या होगा? देन योर रिजल्ट्स विल बी बेस्ड ऑन द इंटरनल असेसमेंट. नाउ व्हाट इज़ इंटरनल असेसमेंट? योर प्रोजेक्ट वर्क एंड योर प्रैक्टिकल मार्क्स. प्रैक्टिकल मार्क्स आपके किसके? जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर, इन सब के मार्क्स होंगे कंसिडर. एंड योर प्रोजेक्ट वर्क, होपफुली एवरी वन हैज़ डन देयर प्रोजेक्ट वर्क और पूरा कर रखा है. तो सो इट इज़ क्लियर कि आप अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होंगे यू विल बी मार्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट. अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तब आपके ये जो 12th के रिजल्ट हैं, जब आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं तो आपके 12th के रिजल्ट कंसिडर नहीं होंगे. वेल इफ़ योर बोर्ड एग्जाम्स आर कैंसल्ड देर इज़ अ प्रॉब्लम. अगर आपको एडमिशन लेना है इन एनी ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पर आपके 12th के रिजल्ट तब देखे नहीं जाएंगे, ठीक है? जितने भी आपके चाहे कितनी परसेंटेज आपकी आ रही थी वो कंसिडर नहीं होगी उस टाइम कॉलेज के एडमिशन में. कॉलेज दे विल कंडक्ट एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दे विल ट्राई टू फिल्टर आउट द नॉन सीरियस कैंडिडेट्स एंड वो बेस्ट स्टूडेंट्स लेंगे. जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं यानी जिनकी सबसे अच्छी एकेडमिक परफॉर्मेंस रह चुकी है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उन्हीं को वो एडमिशन देंगे कॉलेज में. फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आपने कोई भी कोर्स करना है जैसे कि BSc मैथ्स ऑनर्स करना है आपने, तो जितने भी बच्चे उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं सब एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे एंड देन जिनकी टॉप रैंकिंग होगी उनको ही एडमिशन मिलेगा किसी पर्टिकुलर कॉलेज में. तो ऐसा प्रोसीडर रहेगा, राइट? और जो हमारे कोटाज होते हैं, रिजर्वेशंस होती हैं, वो भी रहेंगी. उनको थोड़ा प्रेफरेंस तो दिया ही जाएगा, उनको एडमिशन दिया जाएगा. बोला जा रहा है कि 12th बोर्ड एग्जामिनेशन अगर आपको देना है तो उसमें चॉइस हो सकती है. मे बी आप अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो आप मत दीजिए. आपकी जो मार्किंग होगी वो इंटरनल असेसमेंट में बेस्ड होगी. मे बी आपको चॉइस मिल जाए वेदर टू गिव बोर्ड एग्जामिनेशन, और इफ़ यू डोंट फील लाइक गिविंग बोर्ड एग्जामिनेशन देन यू विल बी मार्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, जैसे मैंने आपको बता रखा है. तो ये दो केसेस हैं. अब मैं बस एंड में ये कहना चाहती हूँ कि वीडियोस जो हैं, अब आप वीडियोस देखना बंद कर दीजिए यूट्यूब में जो ये ISC 12th कैंसिलेशन या कंडक्ट करेंगे क्या होगा, ये सब देखने से खाली टाइम वेस्ट होगा. आपके चाहे बोर्ड एग्जामिनेशंस ना हो चाहे हो, आप पढ़िए, हर रोज़ पढ़िए. उतना ज़्यादा भी नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरा 12 आवर्स
ऐसे नहीं 5 to 6 hours अगर आप स्टडी करेंगे दैट वुड बी मोर देन इनफ, बट रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अगर आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होंगे सिलेबस आपका 12th का ही आएगा. सो यू मस्ट बी इन टच विद योर 12th सिलेबस. ट्राई टू रिवाइज योर मेन सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑल्सो, क्योंकि जो भी आपको कोर्स करना है उसमें अच्छे से फोकस करिए. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू डू इंग्लिश ऑनर्स, इंग्लिश अच्छे से पढ़िए. आप ऐसे assumptions नहीं लगा सकते कि बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल ही होंगे, जैसे मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होंगे. अभी आप कुछ अज्यूम नहीं कर सकते हैं, राइट? एज सून एज आई गेट एनी सच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द काउंसिल आई विल डेफिनेटली पोस्ट अ वीडियो ऑन दैट. तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, टेलीग्राम का भी चैनल है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन इफ़ यू वॉन्ट टू जॉइन. आई अपडेट यू विद द CISC न्यूज़ एंड ऑल्सो सैम्पल पेपर्स आर प्रोवाइडेड इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप. जो भी ISC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, टेम्पेस्ट हो गया, फिजिक्स मैथ, everything is provided there. So I think that was all for the video. If you liked it, make sure to give it a thumbs up and do subscribe my channel, क्योंकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having